Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will start our next topic, diary writing or diary entry. Students, what is diary entry? डायरी में हम अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने गुड और बैड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. दिन भर में हमने क्या किया, कोई बैड इवेंट हुई, गुड इवेंट थी, हम किसी के बर्थडे में गए, हमने जो भी किया दिन भर में उसको हम अपनी डायरी के साथ शेयर करते हैं. डायरी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है और उससे हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी डायरी और हमारे दोनों के बीच का मामला होता है. तो सबसे पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या है? डे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख रहा है फॉर्मेट में? आप टॉप पे जाइए, लेफ्ट में सबसे पहले, टॉप पे लेफ्ट में उल्टे हाथ की तरफ जाना है और सबसे पहले क्या लिखना है हमें? डे. नेक्स्ट इज डेट. अब डे के बाद क्या लिखनी है? डेट लिखनी है स्टूडेंट्स. डेट के बाद क्या लिखना है हमें? टाइम. तो एज यू नो कि हम दिन भर की क्रिएटिविटी, जो भी हमने काम किया दिन भर, जो भी इवेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए, वो हम रात में लिखते हैं. तो हम टाइम क्या लिखेंगे? रात का टाइम लिखेंगे. अब जैसे डे क्या हुआ, आज मान लीजिए ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स जैसे ट्यूसडे पूरा लिखेंगे, क्योंकि कोई क्या करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, ट्यू ई एस लिख दिया, या मंडे को एम ओ एन लिख दिया, या संडे है तो एस यू एन लिख दिया. ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, पूरा लिखना पड़ेगा ट्यूसडे. नेक्स्ट क्या है? डेट. तो जैसे आज कौन सी डेट है? 21st जुलाई 2000, यहाँ एक कोमा लगाएंगे छोटा सा, 2020. तो स्टूडेंट्स अगर हम ये डेट लिखेंगे, दैट इज इज राइट. अगर हमने ये लिखा 20 और 7 2020, तो ये स्टूडेंट्स रॉन्ग होगा. ओके, ऐसी डेट नहीं चलेगी और ऐसी भी नहीं चलेगी, ऐसा भी लिखना परमिटेड नहीं है. तो ये दोनों डेट अलाउ नहीं है. नेक्स्ट क्या है? टाइम. अब टाइम अभी मैंने आपको बताया कि क्या लिखेंगे, रात का टाइम लिखेंगे, उसमें आप 9, 9:30, 10, 10:30 एज यू लाइक कुछ भी लिख सकते हैं. तो जैसे 10 PM लिखेंगे. PM क्यों? क्योंकि रात का टाइम है. दिन का सर टाइम होता, सुबह का टाइम होता तो क्या लिखते? AM. बट अभी रात का टाइम है तो क्या लिखेंगे? PM लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लीव आ लाइन. अब क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे. अब क्या लिखेंगे? डियर डायरी. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि मैंने डियर क्यों लिखा, डायरी तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग है, तो डियर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डायरी, जैसे हम डायरी क्या है, हमारी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है हमारी. जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखें तो हम उसको क्या लिखते हैं? डियर फ्रेंड, या डियर रमेश, या डियर सुधा, कुछ भी नाम लिखें तो हम डियर लगाते हैं. इसलिए क्या लिखेंगे? क्योंकि डायरी हमारी फ्रेंड है तो उसके लिए भी हम डियर लगाएंगे, तो डियर डायरी. अगर आप यहाँ पे नाम नहीं लिखना चाहते, कुछ नाम देना चाहते हो डायरी को, कुछ सोच लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए डायरी को, किटी दे दीजिए, या एज यू लाइक कोई भी नाम दे सकते हैं आप. तो डियर किटी ऐसे भी लिख सकते हो, एज यू लाइक. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? लीव आ लाइन आल्सो. यहाँ पे भी आप एक लाइन छोड़ देंगे. एंड देन क्या लिखेंगे? कंटेंट. कंटेंट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि जो भी आज आपके साथ घटित हुआ, उसको घटित करने से पहले अपनी कोई फीलिंग या वेदर के बारे में कुछ भी लिखेंगे. ऐसा जैसे कि इट वॉज अ कोल्ड डे टूडे, या इट वॉज अ फाइन डे टूडे, कुछ भी लिखेंगे, या आई वॉज हैप्पी टूडे, कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे. एंड देन यू विल फिनिश हियर. लास्ट में आप सेम हैंड पर क्या लास्ट में फिनिश करेंगे? गुड नाइट.
आपके नेम गिवन है तब आप नेम लिख देंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स ये सब इतने के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स तो आप लिख ही सकते हैं, डेट, डे और टाइम, इतना तो आप जानते ही हैं, और डियर डायरी, तो इतना लिखने के बाद आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका फॉर्मेट कि डायरी लिखी कैसे जाती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि पूरी डायरी कैसे लिखी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज आवर क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, टुडे इज योर बर्थडे, आज आपका जन्मदिन है। यू हैड अ वंडरफुल डे विद योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, तो आज का दिन आपका बहुत ही वंडरफुल है आपके फ्रेंड्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। तो राइट अ डायरी एंट्री ऑफ द डे, आज क्या क्या किया आपने दिन भर में, वो डायरी एंट्री आपको लिखनी है, उस बारे में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। फिर वही फॉर्मेट, ट्यूजडे, अभी आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डे, तो ट्यूजडे, डेट इज 21st July 2020। ओके, नाउ इज टाइम 10 PM। ओके, लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट डियर डायरी, डियर डायरी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टार्ट, अब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म यूज करनी है हमें, क्योंकि डायरी कौन से टेंस में लिखी जाती है स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में। देखिए मैं पहले आपको, जब मैंने पास्ट आपको टेंस कराए थे, टेंस की फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको पहले बोला था कि इफ यू डोंट नो टेंस देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए टेंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करें आप राइटिंग स्किल में, तो आपके टेंस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, अच्छी तरह से आपको आने चाहिए, कौन सा टेंस है, किसकी पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप डायरी, आर्टिकल, स्टोरी, एनीथिंग यू कैन राइट, कुछ भी तभी लिख पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू सेकेंड फॉर्म, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, आई सॉ एंड आई टोल्ड टू माय पेरेंट्स, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए स्टूडेंट्स, जैसे आप डेली रूटीन में यूज करते हैं बोलते समय, वैसे सेंटेंसेस अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने क्रैमिंग, रटिफिकेशन किया, तो इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखेंगे आप। ओके, और ये तो हो गया टेंस, अब क्या यूज करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन। स्टूडेंट्स डायरी हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, फर्स्ट पर्सन में कैसे, आप पहले आप कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या, पर्सन देख लीजिए, मैं आपको पर्सन भी, मैंने जब आपको टेंसेस सिखाए थे तब भी आपको सिखाए थे, पैसिव वॉइस में भी आपको बता चुकी हूँ, मॉडल्स में भी मैंने आपको पर्सन सिखाए थे, आप सारी वीडियोस उठा के देख लीजिए और तब आप इसको देखिए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, देयर आर 3 पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, एनी नेम। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, एनी नेम, आई हैव टोल्ड यू। ओके, तो पर्सन से याद हो गया आपको कौन सा पर्सन यूज करना हमें, आई, क्योंकि मैं और मेरी डायरी, बस हम दो ही बातें कर रहे हैं और कोई तीसरा नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम, आई, ऑलवेज वी यूज आई। नाउ वी स्टार्ट टुडे,
स्टूडेंट्स टुडे से जरूर नहीं है कि हम टुडे से डायरी स्टार्ट करें, हम यस्टरडे से भी शुरू कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में होना चाहिए कि अगर आप जैसे इसमें क्वेश्चन में है टुडे तो हम टुडे से स्टार्ट करेंगे, अगर इसमें यस्टरडे था कि यस्टरडे आप कहीं गए थे तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपका सपोज कीजिए आपका एग्जाम्पल है कि यस्टरडे आप केरला गए तो आप यस्टरडे या वंस एक बार आप केरला गए या वंस आप दिल्ली गए तो आप वंस लिखेंगे, वंस से स्टार्ट करेंगे, यस्टरडे से स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि आप टुडे से, वैसे डायरी टुडे से लिखी जाती है क्योंकि दिन भर की जो हम रूटीन, दिन भर का जो रूटीन होता है हमारा उसको हम अपनी डायरी एंट्री में शेयर करते हैं। टुडे इट वॉज माई बर्थडे, इतना हो गया, आज मेरा बर्थडे था। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे ओनली। आई वॉज, अब आप खुश थे दुखी थे ये तो शेयर करेंगे, आई वॉज वेरी हैप्पी होल द डे, अब आई गॉट अप, स्टूडेंट्स गेट गोट सेकेंड फॉर्म, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई स्टार्टेड, अब आप सुबह जल्दी उठ गए, आपका बर्थडे है तो क्या करेंगे, प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आई स्टार्टेड प्रिपरेशंस, आई टुक माय, अब टुक टेक टुक सेकंड फॉर्म, माय यंगर brother to have my father had already brought balloons to decorate the house. अब मम्मा ने क्या किया, तो माय मम्मा टाइम बाय 4 o'clock, 4 बजे बाय 4 o'clock my mother began to make dishes, अब dishes के नाम भी बता देंगे क्या क्या बनाया, she made samosa, गुलाब जामुन, छोले एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, द गुड एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू, द गुड एरोमा इज कमिंग, सॉरी इज नहीं यूज करेंगे, वॉज पास्ट टेंस यूज करेंगे ओनली, वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन, अभी मम्मी ने कर दिया पापा ने भी किया, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, बाय 5 o'clock 5 बजे माय फ्रेंड्स
बिगिन टू टू कम या कमिंग भी लिख सकते हैं, कमिंग. माय फादर सर्व्ड देम. अब जब फ्रेंड्स आए तो क्या करते हैं, उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स. अब फ्रेंड्स ने क्या दिया, माय फ्रेंड्स गेव मी सम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स. कुछ ब्यूटिफुल गिफ्ट्स दिए. दे डांस्ड आल्सो, उन्होंने डांस भी किया. देन माय फादर अब पापा ने क्या किया, इनवाइटेड देम फॉर डिनर. डिनर के लिए इनवाइट किया. कैसा डिनर था, इट वॉज वेरी टेस्टी डिनर. सॉरी स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेस. आप दिन भर जो रूटीन में डेली यूज करते हैं वही सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं. उन्हें क्या करना है, सब्जेक्ट याद रखना है और सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, टेस्टी डिनर. तो टेस्टी डिनर उन्होंने खाया. नेक्स्ट, व्हाट अमेजिंग डे इट वॉज. व्हाट अमेजिंग डे इट वॉज. I enjoyed it fully. पूरी तरह से मैंने इसको enjoy किया. अब last line जो common है, dear diary, I am getting sleepy. Now, अब मुझे नींद आ रही है. I am getting sleepy now. और लास्ट में क्या लिख देंगे, गुड नाइट. गुड नाइट. अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप यहाँ पे नेम लिख देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे. तो स्टूडेंट्स क्योंकि डायरी 82, 100 या 100 to 120 वर्ड से पूछी जाती है, तो इसलिए इतनी ही डायरी इनफ है और बाकी हम इतनी डायरी लिख करके एंड कर देंगे. ओके, इट वॉज योर डायरी. वी हैव फिनिश्ड दिस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड यू कैन डू इट नाउ. स्टे होम, स्टे सेफ.